ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। सुनील सर, सुनील थोड़ा सा ये वॉइस देख लीजिए, आवाज नहीं पहुंच रही। सर 2 मिनट के लिए आ जाइए। सर यहाँ पे आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है आपका। हाँ एक व्यक्ति, क्या नाम है? सर अपर्णा। अपर्णा, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। देखो अपना मोबाइल खोल करके देखो, यहाँ से सब ठीक है? पापा टीवी देख रहे हैं। माँ को बंद करो, इसको पकड़ा दो और तुम भाई पापा मन को पहचान। दोस्त अब चल इसे बात करते हैं। आवाज बंद कर दे, इसकी आवाज खराब आ रही है। बस पढ़ाई हो गई सर, इसकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बात मैं सर अब आवाज खोल खुला खुल है ना। हाँ आवाज आ रही ना बेटा? यस यस मैम। सर यहाँ तो पहुँच रही है आवाज। अपर्णा आपकी आवाज वहीं से मोबाइल से डिस्टर्ब है, आप अपने फोन को देखिए। अपर्णा शर्मा। हाँ सर जी पढ़ा रहे क्या? आवाज किसी की डिस्टर्ब है ना? लेट हो गया तो दिन क्यों लेट हुआ ना? ट्विटर बना रहे तो कैसे जी सर इधर वो फोन अपना सही करवाओ, ब्लैक बोर्ड ओके इसको देख लीजिए। फोन अपने फोन सही कर लीजिए पढ़ना। मैं निकालती हूँ, मुझे पता है ये पार्ट को मैं देखती हूँ बाद में। ओके मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम।
ओके अब आवाज आ रही ना आपको भी? यस मैम। अपर्णा, अपर्णा नहीं वो दूसरी है, अपर्णा शर्मा है, कोई नहीं बात लो। आपके फोन में कुछ डिस्टरबेंस है? ओके तो आज हमारा सेकेंड क्लास में जो टॉपिक आज हम अपना हिंदी सब्जेक्ट में रिवीजन करने वाले हैं वो आपका लेसन 21 है, और जो लेसन का नाम है वो है बादलों की सैर। तो बादलों की क्या करने जा रहे हैं हम? सैर करने जा रहे हैं। सैर का मतलब होता है घूमना। ओके तो यस मैम, एक स्टैंड लगा लो मोबाइल अपना फोन। है ना, आप अपना फोन प्लीज चेक करवा लीजिए, वहीं से आपकी वॉइस डिस्टर्ब है। ओके हाँ, तो क्या है इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन को क्या करेंगे? इस लेसन को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, तो डिफिकल्ट वर्ड को हम सबसे पहले समझेंगे, और जिसको हम बोलते हैं शब्दार्थ। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अर्थ है भय रहित। इसका शब्द जो है ना, अब वॉइस पहुंच रही है अपर्णा? ठीक है, फोन से खराब है बेटा, यहाँ से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ से। तो शब्दार्थ कुछ हैं जिनका हम सबसे पहले अर्थ समझेंगे। ओके शब्दार्थ हैं अभी एक तीन गंजे। हमारा जो शब्द है वो है निर्भय का मतलब होता है बिना डरे, बिना भय के। तो भय रहित, निडर वो सॉरी निर्भय का अर्थ क्या होता है? भय से रहित। जो हमारा शब्दार्थ है वो है कोमल। कोमल का अर्थ क्या होता है? मुलायम। ओके सॉफ्ट, जिसको इंग्लिश में हम बोलते सॉफ्ट या मुलायम। इसके बाद है पर्वत। पर्वत का अर्थ क्या होता है? पहाड़। ओके पहाड़, गिरी। इसके बाद फोर्थ नंबर का हमारा शब्दार्थ है समूह। तो समूह का अर्थ क्या होता है? झुंड। ओके दल, झुंड। ओके
ये लग लिखा है ना और जो फिफ्थ नंबर का हमारा शब्दार्थ वो है शिखर। तो शिखर का अर्थ क्या होता है? पहाड़ की चोटी। ओके, शिखर जो होता है एक किसके लिए यूज किया जाता है? पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, जो लास्ट उसका होता है, वो होता है पहाड़ की चोटी। तो शिखर का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी। तो एक बार और हम रिवीजन करते हैं शब्दार्थ का। निर्भर है, निर्भर मीन्स होता है भय रहित। ओके, और सेकंड नंबर में है कोमल। कोमल का अर्थ होता है मुलायम, सॉफ्ट। और थर्ड नंबर पे है पर्वत। तो पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। समूह का अर्थ होता है झुंड। और शिखर पहाड़ की चोटी होती है, उसको हम शिखर कहते हैं। ओके, इसके बाद अब हम ये जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो है बादलों की सैर। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बादलों की सैर करने जा रहे हैं। ओके, सैर का मतलब होता है घूमना। ओके, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? बादलों की सैर करने जा रहे हैं। तो हम बादलों की सैर कब करते हैं? जब हम कोई सपना देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी एक आप जैसा छोटा सा क्या है, बॉय है, और वो कहाँ सपने में जा रहा है? बादलों की सैर करने जा रहा है। ओके, तो अब हम अपने लेसन को रीड करते हैं। आपने अपनी बुक में खोल लीजिएगा पेज नंबर 155। ओके, तो 155 पेज पर आपको देखना है। ओके, तो अब हम अपना लेसन जो है उसको रीड करते हैं। ठंडी ठंडी क्या चल रही थी? हवा चल रही थी। ओके, आनंद, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी है उसका नाम क्या है? आनंद है। आनंद, हाँ, तो आनंद घर के आंगन में, आंगन जानते हो ना आप क्या होता है? यस मैम। जहाँ पर खुला होता है, उस चीज को हम खुला छोड़ देते हैं कि यहाँ पर हमें शुद्ध वातावरण मिले, सफोकेशन ना हो हमें, तो वो क्या है? आंगन है। तो आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा था। किस पर बैठा है वो? झूले पर। अब वो क्या कर रहा था? जब वो झूले पर बैठा था तो आकाश में उसे दौड़ते हुए बादलों को देखा उसने। जो आकाश में क्या थे? बादल, आप देखते हो ना, बादल क्या होता है? कभी हमें ऐसे लगेगा कि यहाँ पर किसी की आकृति बनी, किसी का चित्र समझ में आएगा कि ये शेर की है, कि भालू की है, कि टैडी बियर की है। तो ये बादलों में हमें क्या दृश्य देखने को मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आनंद भी क्या कर रहा था? अपने आंगन के झूले पर बैठकर वो बादलों को देख रहा था। और वह देखते देखते वो क्या करता है? वह सोच रहा था ये बादल कहाँ जा रहे हैं। कभी आप भी अपने आंगन में बैठकर बादलों की ओर देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि बादल जो हैं चल रहे हैं। ओके, तो आप कभी ये भी सोचते हो ना कि जब आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको लगता है कि सूरज हम लोगों के साथ साथ चल रहा है। जहां हम जाते हैं वहां पर सूरज भी हमारे साथ चलता है। तो ऐसे ही आनंद को भी ये चीज लगी कि बादल कहीं जा रहे हैं। अब आनंद ने क्या सोचा? इनका घर कहाँ है? अब आनंद के मन में विचार आया, उसने सोचा कि ये बादल कहाँ जा रहे हैं और ये कहाँ से आते हैं। सोचते सोचते, अब मान लीजिए आप भी आंगन में लेटे हुए हो, ऐसा सोच रहे हो बादलों की तरफ देखते हुए, तो क्या होता है? आपकी आंख लग गई। आंख लगने का मतलब होता है आपको नींद आ गई। ओके,
अब उसके बाद क्या होने लगा था, बूंदे पड़ रही थी। जब आप खुले आंगन में सोते हो तो कभी बारिश की हल्की सी बूंदाबांदी होती है, होती है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही वहां पर भी हल्की सी बूंदी बांदी होने लगी थी। एक बूंद अब कहाँ पर पड़ती है, आनंद के कान के पास आकर टपकी और बोली। अब आनंद तो सो गया था, उसकी क्या हो गई थी, आंख लग गई थी। तो जब हल्की सी धीमी धीमी सी बूंदाबांदी होती है तो क्या होता है कि आनंद के कान के पास वो हल्की सी जो छोटी सी बूंद थी वो क्या हो जाती है, वो बोलती उसके कान के पास टपकी और उससे किससे बोलती है, आनंद आनंद ओके आनंद से बोलती है। आनंद मुझसे दोस्ती करोगे, कौन पूछता है, बूंद। ओके राइट आंसर, तो बूंद पूछती है कि आनंद मुझसे दोस्ती करोगे। तो आनंद अब चुप था, अब उसने क्या, अब उसके मन में क्या था, मैं तुम्हें बादलों के पास ले चलूंगी। बूंद बोलती है आनंद से कि तुम मुझसे अगर दोस्ती कर लोगे तो मैं तुम्हें बादलों के पास ले जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आनंद भी आंसर देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगा। आनंद ने कहा तो चलो हमारे साथ। अब आनंद ने कहा कि मैं जरूर करूंगा तुमसे दोस्ती, किसने कहा, आनंद ने बूंदों से कहा कि हाँ हम तुमसे दोस्ती करेंगे। तो बादल सॉरी बूंद बोलते तो चलो हमारे साथ, कहकर बूंद हवा के साथ क्या हो गई, उड़ा ले चली आनंद को बादलों के पास। आनंद को उड़ते हुए बड़ा मजा आ रहा था। आप भी जब उड़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो मजा भी तो आएगी ना। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही जब आनंद भी बादलों के पास जब पहुंचा तो जब वो उड़ रहा था, जब वो उड़ रहा था तो आनंद को कैसा लग रहा था, मजा आ रहा था, अच्छा फील, गुड फील हो रहा था उसको, लग रहा था कि हाँ मुझे मजा आ रही, मस्ती कर रहा था आनंद वहां पर। फिर उसके बाद क्या होता है, उसे अपना जब बादलों की वो सैर कर रहा था तो उसको क्या दिखता है, उसे अपना स्कूल मैदान और इमारतें सब कैसी दिख रही थी, छोटी 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 छोटी। क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं तो हमें वहां से क्या होता है, ऊंचाई से हमें नीचे जब हम देखते हैं तो हमें हर चीज छोटी नजर आने लगती है। ओके, तो ऐसे ही जब वो भी ऊंचाई पर पहुंचा तो उसको भी ये सारी चीजें छोटी नजर आने लगी। आनंद को पता ही नहीं चला कि अब बूंदे और हवा ने उसे बादल पर सवार करा दिया। यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए कि आनंद जो है किस पर बैठा हुआ है, बादलों के ऊपर। तो आनंद को तो ये भी नहीं पता चला कि हवा ने और बूंदों ने कब आनंद को बादलों के ऊपर बिठा दिया, मीन सवार करा दिया। बादल अपने कोमल कोमल पंख फैलाकर तेजी से क्या करने लगा, भागने लगा। बूंदे गायब हो गई थी। घबरा कर आनंद जो है, अब क्या हो रहा था, आनंद डर रहा था, तो आनंद डर के कारण घबराया और आनंद जो है इधर उधर देखने लगा। तभी आवाज आई कि घबराओ मत आनंद, मैं क्या हूं, मैं बादल हूं। हाँ, आनंद ने चैन की सांस ली, चैन का मतलब होता है सुकून। ओके, चैन गले में पहनने वाली चैन नहीं, सुकून। ओके, तो क्या है, आनंद ने चैन की सांस ली, सुकून की सांस ली। वह आराम से बादल पर बैठा रहा। बादल बोला, आनंद आज मैं तुम्हें दूर दूर की सैर कराऊंगा, देखो हम समुद्र के ऊपर आ गए। अब बादल ने कहा आनंद से कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें
जो है दूर दूर तक की सैर कराऊंगा। और वो क्या कर बादल क्या करता है जब आनंद को कहाँ ले जाता है, समुद्र के ऊपर ले जाता है। हाँ यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही पानी है। अब आनंद ने जब समुद्र देखा, जब आप भी कभी समुद्र देखेंगे तो क्या देखेंगे, समुद्र में केवल पानी ही पानी है। लेकिन जब आप समुद्र को देखेंगे तो पानी को देख के आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठेगा कि इतना सारा पानी है, फिर भी मम्मा, स्कूल में टीचर, सभी लोग बोलते हैं कि पानी को वेस्ट मत किया करो, बर्बाद मत किया करो, तो ऐसा क्यों? ये आपके मन में विचार आएगा कभी? तो बस आनंद ने नीचे देखते हुए कहा, यही हमारा घर है। बादल बोला, यह कैसे हो सकता है? आनंद हैरान था। बादल भैया आप ऊपर और घर नीचे? बादल हंसने लगा, फिर बोला, सुनो आनंद, सूरज की जो है तेज गर्मी से समुद्र, झील, झरनों और नदियों का पानी जो है भाप बन जाता है। भाप हवा से हल्की होती है। भाप कैसी होती है? हवा से हल्की होती, इसीलिए वह ऊपर उठ जाती है। यह भाप ही इकट्ठी होकर बादल बनती है। तो आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि भाप जो होती है, जैसे मम्मी खाना बनाती है या कोई पानी बॉयल होता है, उससे जो स्टीम भाप निकलती है वो धीरे धीरे जब आकाश में पहुंच जाती है, इकट्ठा हो जाती है जब भाप, तो क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। हाँ, राइट आंसर, क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। हाँ अच्छा, फिर पानी बनकर कैसे गिरता है? जब वो भाप तो बन जाती है, भाप बन के बादल बन गई, तो अब पानी कैसे बरसता है, पानी कैसे गिरता है? आनंद ने ये भी क्वेश्चन पूछा। आनंद यह पूछने ही वाला था कि बादल ने बरसना शुरू कर दिया। आनंद ने नीचे की ओर झांका तो देखा कि वे एक घने जंगल के ऊपर थे। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे। जंगल में जानवर निर्भय होकर घूम रहे थे, मतलब बिना डर के घूम रहे थे। जैसे हम इंसान अपने घर में निर्भय होकर घूमते हैं, वैसे ही जंगल में क्या है, जानवर भी। निर्भय का मतलब होता है, निर्भय का मतलब होता है बिना डर के या भय रहे। पक्षी चहचहा रहे थे। यह दृश्य देखकर आनंद जो है बहुत खुश हुआ। कैसा हुआ आनंद? खुश हुआ। ओके, बादल बरस बरस कर छोटा होता जा रहा था। आनंद को डर लगने लगा कि बादल अब छोटा हो रहा है, मैं इसी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अच्छा डरो नहीं, बादल बोलता है कि डरो नहीं, हम आगे चलते हैं। और बादल आगे चल दिए। आनंद ने देखा कि नीचे सूखा मैदान है, दूर दूर तक कोई भी हरियाली का नामो निशान भी नहीं है। बादल ने अपनी चाल और भी तेज कर दी। आनंद ने अब वहां पर बादल से क्वेश्चन पूछा कि रुको रुको, यहाँ भी बरसो ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमें चारों ओर हरियाली का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, फिर आप यहाँ क्यों नहीं बरस रहे हो? देखो लोग कैसे पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं। बादल से आनंद ने कहा कि देखो यहाँ पर लोगों को पानी की कितनी किल्लत है, और बादल तुम यहाँ क्यों नहीं बरस रहे? तो बादल ने अब क्या आंसर दिया? बादल बोला, नहीं नहीं, यहाँ हम यहाँ नहीं बरस सकते, यहाँ ना पेड़ है ना पहाड़ है, यहाँ बहुत गर्मी है। जहाँ ऊंचे पेड़ हैं वहीं ठंडक होती है, और ठंडे होकर ही हम बूंदों के रूप में बरसते हैं। जो भाप ऊपर पहुंच जाती है, भाप जब इकट्ठा हो जाती है तो बादल बनती है, और बादल कहाँ बरसते हैं? जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हो, पर्वत पहाड़ हो, वहां पर ठंडक होना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी। तो बादल वहीं बरसते हैं जहां का मौसम ठंडा हो, पेड़ पौधे हो, वहां पर हरियाली दिखती हो, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगे हुए हो। फिर नदी नालों में बहते हुए अपने घर समुद्र में पहुंच जाता हूँ, ऐसा बादल ने कहा। बातें करते करते बादल ऊंचे पर्वत शिखर तक पहुंच गया। आनंद को ठंड लगने लगी। बर्फ से ढकी चोटियों से
छूकर बादल तेजी से छोटा होने लगा। आनंद जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और नीचे आ गिरा और उसकी आंख जो है खुल गई। उसने देखा वह झूले से नीचे गिर पड़ा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आनंद कुछ सोच सोच कर क्या कर रहा था, सोच कर कुछ मुस्कुराया और घर के अंदर आनंद चला गया। ओके यस मैम। तो आनंद किस में था, सपने में था ना? यस मैम। उसको इतना सारा नॉलेज जो मिला उसको सपने में मिला, लेकिन आपको किसने दिया, मैम ने दिया। तो अब आप समझ गए हो ना, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि बादल कैसे बनता है, बारिश कहाँ होती है। ओके यस मैम। हाँ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए। यस मैम, है ना। तो क्योंकि बारिश यदि हमें चाहिए है तो बारिश कब होगी, जब पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होंगे तभी तो बारिश होगी ना। यस मैम। ओके, अब इसके बाद मैं आपसे कुछ अभ्यास क्वेश्चन पूछूंगी, आपके ओरल में है तो आपको बताना है। अपर्णा अभी भी आपके पास वॉइस आवाज नहीं पहुंच रही है, आ रही है आवाज? ओके, तो झूले पर बैठा आनंद क्या सोच रहा था? अपर्णा आपकी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा अपनी माँ से बोल के अपने वही मोबाइल से आवाज को खुलवा लीजिएगा। ओके आपकी वॉइस मेरे पास नहीं पहुंच रही है, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ओके हाँ, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि झूले पर बैठा आनंद क्या सोच रहा था। झूले पर बैठा आनंद बादलों के शहर के बारे में सोच रहा था। बादलों के शहर के बारे में सोच रहा था। ओके, और वो सोच रहा था कि बादल कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं, लेकिन पूरा आंसर हमें देना होता है। ओके यस। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है ओरल में, बूंदों ने आनंद से क्या कहा? बूंदों ने आनंद से कहा मुझसे दोस्ती करोगे। ओके, राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बूंदे आनंद को कहाँ ले गई? बादलों की सैर करने। ओके, बूंदे आनंद को बादलों की सैर करने ले गई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सूखे मैदान पर बादल क्यों नहीं बरसे? वहाँ हरियाली नहीं थी। हाँ, हरियाली नहीं थी और वहां पर बादलों को ठंडा होने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं कि बादल ठंडे होते तो वहां पर वो बारिश करते, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भाप कैसे बनती है? भाप सूरज की तेज गर्मी से जहां पर जल भरा हुआ होता है, या हम भाप स्टीम जहां पर निकलती है तो वो कैसे बनती है, या तो हम उसको ऊर्जा देंगे मतलब तपाएंगे, या दूसरी बात होती है सबसे ज्यादा जो तेज गर्मी जो जिसमें होती है वो सूरज की किरणों में होती है। तो सूरज की तेज किरणें क्या करती है, समुद्र के पानी को गर्म करती है और वो भाप के रूप में ऊपर उठ जाती है और वो बादल बन जाती, वो सॉरी भाप बन जाती है। ओके, और जब भाप इकट्ठी हो जाती है तो वो बादल बन जाती है। भाप ऊपर क्यों उठती है? भाप हवा से हल्की होने से ऊपर भाप हवा के हल्की होने से ऊपर उठती है। ओके हाँ, क्योंकि भाप जो है हवा से भी हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर उठती है। इसके बाद आपके
क्वेश्चन आंसर है, ओके इनको क्या करना है आपको लिखना है। मैं इन क्वेश्चन आंसर पूरे आपकी जितनी भी बुक में लेसन चैप्टर थे वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, ओके। तो अब आपको क्या होना है, डिवीजन कर रहे हैं वो, डिवीजन में आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार होना है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बादल किससे बनते हैं, भाप से बनते हैं। ओके, बादल भाप से बनते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बादल में बैठकर आनंद ने कहाँ कहाँ की सैर की, पर्वत, पहाड़, मैदान, स्कूल की, समुद्र की, सभी जगह की सैर की उसने, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बादलों में पानी कहाँ से आता है, भाप से। ओके, बादलों में पानी भाप से, जब भाप इकट्ठी हो जाती है तो वो बादल बन जाती है, बादलों में पानी आ जाता है। इसके बाद बूंदों ने आनंद से क्या कहा, बूंदों ने आनंद कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे। ओके, ऊंचाई से देखने पर वस्तु कैसी दिखाई देती है, छोटी या बड़ी। ओके, छोटी दिखाई देती है, ओके। इसके बाद वाक्य को आपको पूरा करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में है जंगल, भाप, बादल, पानी। तो बादलों में डैश कहाँ से आता है, भाप या पानी, जंगल, पानी। हाँ, राइट आंसर पानी। सूर्य की गर्मी से पानी बन जाता है, क्या बन जाता है, भाप, जंगल, ओके भाप। डैश पानी बरसाते हैं, कौन बरसाते हैं पानी, बादल, बादल, राइट आंसर। इसके बाद है, डैश में ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ हैं, कहाँ पर, जंगल में, भाप में, बादल में या पानी में, जंगल, ओके जंगल में, ओके। इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, और साथ ही साथ जो है हम अपना नया टॉपिक भी लेंगे, आपका जो लेसन 20 होगा, ओके। और इसको आप पहले से रीड करके रखिएगा, ओके। यस मैम। ओके अपर्णा, और व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज ईशान। ईशान, यस मैम। ओके ईशान, तो पढ़ाई साथ साथ आपको क्या करना है, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, ओके। आपके एग्जाम समथिंग 10th मार्च से हो सकते हैं, ओके। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।